नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 3D में ए लेटर बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। अगर आपका नाम ए लेटर से शुरू होता है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और जिनका ए लेटर से नहीं शुरू है तो वो भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस लेटर को भी 3D में बनाना आपको सिखा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बीच में पहले आप एक ट्रायंगल बना दीजिएगा। ये हो गया ट्रायंगल बनाना, तो सभी को आता ही होगा, बहुत ही आसानी से यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जस्ट इसी के नीचे आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ हम ले जाएंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। जस्ट इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इस तरह लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो एक हमारा वन नंबर हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर सी लेटर भी दिख रहा होगा, इस तरह आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद अब आपको एक स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से यहाँ से जस्ट इधर से ऊपर वाले हिस्से से वन नंबर से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा हमें और छोटा लाइन ड्रॉ करना था, चलिए यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ कर देते हैं। इसको आप एक लाइन आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे दोस्तों। स्केल रखिए और इस स्केल का यूज करते हुए यहाँ पर आप ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डबल लाइन हो गया। अब आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों, यहाँ से नीचे के साइड में इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। इधर से हम लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करिए, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइएगा, बढ़ाने के बाद तिरछी लाइन यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। और ऊपर वाले ये थोड़ा सा हमारा लाइन आगे की तरफ आई है। स्केल का यूज करते हुए जस्ट इस पॉइंट से आपको नीचे वाले पॉइंट के साथ ऐसे मिलाना होगा। अभी इसको जब हम मार्कर की हेल्प से ब्लैक करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर 3D में दिखेगा। अब आप इधर से एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद नीचे के साइड में इसको भी थोड़ा सा और नीचे के साइड में ले जाइएगा, फिर एक लाइन आगे की तरफ यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। बस आपको दोस्तों ध्यान देना है कैसे आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो आप 3D में बहुत ही आसानी से ए लेटर बनाना सीख जाएंगे। ये हो जाएगा, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। स्केल का यूज करते हुए आप यहाँ पर ऐसे इसको मिला देंगे, यहाँ से भी ऐसे मिला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको मार्कर की हेल्प से ब्लैक कर देते हैं, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आप इसको इरेज कर देंगे। मैंने मार्कर की हेल्प से बनाया तो मैं इसको इरेज नहीं कर सकता हूँ, आप पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा दोस्तों, तो इसको इरेज भी कर दीजिएगा। चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं।